और रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। आज आधी रात से ही यूपी रोडवेज और सिटी बसों में यात्रा फ्री हो जाएगी। आज रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक बसों में यात्रा जो है वो मुफ्त होगी महिलाओं के लिए। ऐसे में ये बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं को दिया जा रहा है। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार पर अक्सर ही जब जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं को इस तरह का तोहफा जो है वो देते हुए नजर आते हैं और महिलाओं में भी एक भारी उत्साह जो है, खुशी की लहर देखने को मिलती है। और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा तोहफा दिया है। आज रात से फ्री बस सेवा जो है महिलाओं के लिए वो शुरू हो जाएगी। आज रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध रहेगी महिलाओं के लिए। रक्षाबंधन के खास मौके पर महिलाओं को ये बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो फ्री बस सेवा की शुरुआत जो है आज रात से ही हो जाएगी, यानी कि जो महिलाओं को दूर दराज जाना है और साथ ही साथ उनके लिए ये बड़ी ही खुशी की बात रहती है, क्योंकि ये हर वर्ग के लिए एक सम्मान ही है। और साथ ही साथ किसी भी वर्ग की महिला जो है वो मुफ्त में वहां पर यात्रा कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, देखिए फ्री बस सेवा की शुरुआत जो है आज रात 12 बजे से हो जाएगी, क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखी जा रही है? देखिए, जो व्यवस्था परिवहन विभाग की है वो सचल रहती है और जैसी व्यवस्था है वैसी बनी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि महिलाओं को इसमें छूट जो है दी जा रही है, यानी कि फ्री यात्रा का जो है सौगात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बड़ी सौगात है, चाहे नगरीय बस सेवा की बात की जाए, चाहे फिर वो परिवहन की राज्य बस सेवा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जो है ये बड़ी सौगात जो है महिलाओं को इस बार दी गई है। और हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन में यही सौगात जो है महिलाओं को देते हैं, ताकि कम से कम बहनों पर जो है अतिरिक्त जो है किराए का बोझ ना पड़े। यानी कि मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की माँ बहनों को किस तरीके से जो है व्यवस्था देनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर अतिरिक्त जो है पैसे का बोझ ना पड़े। वो भी त्यौहार ऐसा त्यौहार कि जब वो अपने भाई के पास आ रहे हैं राखी बांधने, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जो टच है वो कहीं ना कहीं एक जो भावनात्मक जो है लोगों के साथ जुड़ाव है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं दिखता है कि हर त्यौहार में कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लोगों को कुछ ना कुछ राहत देते नजर आते हैं। और इसमें महिलाओं को भी बड़ी राहत है कि जो है उनकी जो यात्रा जो है बस में फ्री की गई है, तो जाहिर सी बात है कम खर्च होगा। देखिए, ये त्योहार वैसे भी भाई बहन का अटूट रिश्ते का त्योहार है, प्यार के प्रतीक का त्योहार है, और इसीलिए सरकार द्वारा जो है ये बहनों को प्यार दिया जा रहा है, बड़े तोहफे स्वरूप दिया जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे तक महिलाओं को बस में टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। और ऐसे में आज रात 12 बजे से अगले 31 अगस्त की 12 बजे रात तक फ्री बस सेवा महिलाएं जो है वो कर सकेंगी। देखिए, जाहिर सी बात है आज रात 12 बजे से लेकर जो है 31 की रात 12 बजे तक, यानी 48 घंटे का समय है जब महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी पूरे प्रदेश में। और इसका एक बड़ा फायदा है कि महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ताकि महिलाएं जो है वो फ्री में यात्रा कर सकें। और इसके साथ साथ जो है प्रदेश की अगर बात की जाए, और जो प्रेम का प्रतीक ये त्योहार है उसका भी एक बड़ा उदाहरण जो है हमेशा से सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाते हुए नजर आए हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।